बजरंगी भाईजान फिल्म के आने के बाद गीता की असल जिंदगी की कहानी भी इस फिल्म से मेल खा गई, जिसके बाद मीडिया ने गीता की खबर को बेहद ही संजीदा तरीके से दिखाते हुए गीता को भारत में उसके परिवार से मिलाने पर जोर दिया। भारतीय और पाक सरकार भी गीता को उसके परिवार से मिलाने के लिए आगे आई, जिसके बाद गीता भारत आ सकी है। बजरंगी भाईजान की मुन्नी, झूमरी तलैया, आसनसोल, पाकिस्तान, इसे अपने देश वापस भेजने का प्रबंध करो तुरंत। चले हटे, आप बिना पासपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता कुछ, हम कह रहे हैं पाकिस्तानी, घर भेजिए इसे। सिक्योरिटी, हम पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं बनाते, लोग यहाँ अमेरिका का पासपोर्ट बनवाने, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान का। अरे अगर मुन्नी पाकिस्तान की है तो जर्मनी जाके क्या करेगी। मुन्नी की कहानी गीता से जुड़ी। जिसको तू चाहे हे नबी तू बुलाता है। सलमान की फिल्म का कमाल, भारत लौटी गीता। जी हाँ, सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान की कहानी का ही असर है जो गीता भारत लौटी है। अगर मुन्नी ना होती तो आज गीता का सच सामने नहीं आता और शायद ही कभी गीता भारत लौट पाती। गीता से जब इंदौर के ज्ञानेंद्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछा कि वो सबसे पहले किससे मिलना चाहती है, तो गीता ने अपने डोले दिखाते हुए कहा कि वो सलमान खान से मिलना चाहती है। मैंने उससे पूछा कि हिंदुस्तान आने के समय आप सबसे पहले किससे मिलना चाहोगे, तुम्हारे माता पिता से? तो उसने कहा नहीं, पहले सलमान से मिलना चाहती हूँ, फिर माता पिता से। और गीता का मानना है कि वो फिल्म बजरंगी भाईजान के कारण ही अपने वतन लौट पाई, इसी वजह से वो सलमान से मिलने की इच्छा रखती है। झूमरी तलैया, आसनसोल, पाकिस्तान, इसे अपने देश वापस भेजने का प्रबंध करो तुरंत। चले हटे, आप बिना पासपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता कुछ, हम कह रहे हैं पाकिस्तानी, घर भेजिए इसे। सिक्योरिटी, हम पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं बनाते, लोग यहाँ अमेरिका का पासपोर्ट बनवाने, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान का। अरे अगर मुन्नी पाकिस्तान की है तो जर्मनी जाके क्या करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।